हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने घर पे एक वाइवेरियम बना सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट बिल्ट है और मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मेरा जो वाइवेरियम है वो 15 इंच लंबा है, 12 इंच चौड़ा है और 12 इंच ऊंचा है। मैं जो साइड पैनल्स है वो मैं एक्सटीरियर के साइड पे लगाऊंगा ताकि टेरांटोला को अंदर घूमने के लिए पूरा 15 इंच बाय 12 इंच का स्पेस मिले। जब आप ग्लास कटवा रहे होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, तब ध्यान रखना कि आप ओवरलैपिंग के लिए अकाउंट करें। जैसे मेरा जो ग्लास है वो 4 mm चौड़ा है, सो जब मैं साइड्स बाहर की तरफ लगाऊंगा तो जो बैक पैनल होगा जो बाद में लगेगा वो 15 इंच लंबा प्लस 8 mm और लंबा होगा ताकि वो साइड पैनल्स को भी ओवरलैप कर सके। सो गाइस, सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो है कि आप रबिंग अल्कोहल या कॉलिन या कोई भी ग्लास क्लीनर लेके ग्लास को अच्छे से क्लीन कर ले ताकि कोई भी धूल मिट्टी उड़ जाए वहाँ से, और जो सिलिकॉन और ग्लास के बीच में वो जो बॉन्ड है वो एकदम अच्छा एंड टाइट बने। सो गाइस, क्लीन करने के बाद वाला जो स्टेप है उसमें मैं मेजर आउट कर रहा हूँ कि कितने डिस्टेंस पे मेरे को सेलो टेप या मास्किंग टेप लगाना है। इस मास्किंग टेप का बेसिकली पर्पस ये है कि जब मैं सिलिकॉन लगाऊंगा तो सिलिकॉन ज़्यादा फैले ना इधर उधर और क्लीन सीम्स आए। अच्छे से सेलो टेप लगा लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिलिकॉन का एक अच्छा कंटिन्यूस बीड लगाना। ये बीड मैं साइड पे लगा रहा हूँ क्योंकि जो साइड है वो एक्सटीरियर पे लगेगा, ठीक है। तो ये बीड लगाने के बाद मैं बेसिकली साइड को, जो सिलिकॉन वाला साइड है उसको मैं दीवार की तरफ प्लेस कर दूंगा एंड फिर उसके ऊपर जो बेस ग्लास है वो प्लेस कर दूंगा सिलिकॉन के ऊपर। मैं दीवार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो अच्छा स्ट्रेट 90° बॉन्ड आएगा दोनों के दोनों ग्लास पीस के बीच में। दोनों साइड्स को कनेक्ट करने के बाद मैं एक और लेयर सिलिकॉन का अप्लाई करूंगा उस एज पे जहाँ पे दोनों के दोनों साइड्स मिल रहे हैं, फिर फिंगर को यूज़ करके इसको अच्छे से फैला दूंगा ताकि एक अच्छा टाइट कनेक्शन बने। उसके बाद मैं सेलो टेप को रिमूव कर दूंगा ताकि अच्छा स्ट्रेट सीम क्रिएट हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसके इन ग्लास के ऊपर बेसिकली एक भारी पानी का बॉटल रख रहा हूँ ताकि हिले ना, और फिर मैं इसको 12 घंटे के लिए क्योर होने के लिए रख दूंगा। क्योर होने के बाद मैं ये सेम टू सेम प्रोसेस दूसरे साइड के लिए रिपीट करूँगा। One eternity later. One eternity later.
एक बार दोनों साइड्स कनेक्ट होने के बाद बेसिकली टैंक को साइड पे लिटाना है, फिर उसके बाद जो थ्री एजेस जो विजिबल हैं उस पे आपको सिलिकॉन का एक अच्छा थिक कंटिन्यूस बीड लगाना है। वो लगने के बाद आप बेसिकली जो बैक वाला साइड है वो आप इस पे प्लेस कर देंगे, फिर उसके वो मैंने सेलो टेप से कनेक्ट करा है ताकि थोड़ा टाइट बॉन्ड हो, और फिर उसके बाद मैंने वो भारी बॉटल भी रख दिया है ताकि अच्छे से सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर से मैं इसको 12 घंटे के लिए क्योर होने के लिए छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर चढ़ रहा हूँ क्योंकि साइड में मेरा कुत्ता सो रहा है और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो मैं टेबल के ऊपर चढ़ गया। One eternity later. So, 12 घंटे बाद क्योर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मैं फ्रंट साइड पे मूव कर जाऊंगा और सबस्ट्रेट बैरियर को सबसे पहले मैं लगाना चाहूंगा। इसके लिए मैं बेसिकली मेजर आउट करूंगा पहले कि कहां से सिलिकॉन का बीड स्टार्ट होना है, उसके बाद एक वही नॉर्मल सिलिकॉन का बीड अप्लाई करके सबस्ट्रेट बैरियर चिपका दूंगा। सबस्ट्रेट बैरियर का काम बेसिकली ये है कि वो वाइवेरियम के अंदर सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करके रखेगा। मेरे टेरेरियम के केस में सबस्ट्रेट बैरियर 4 इंच लंबा है एंड मेरे हिसाब से ये मिनिमम सबस्ट्रेट लेवल है टरांटुला के लिए, लाइक एक बड़े टरांटुला के लिए। और जो सबस्ट्रेट है वो सॉर्ट ऑफ इंक्लाइंड लेवल पे होगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो अराउंड 4 इंचेस होगा एंड जो डीपेस्ट पॉइंट होगा वो उससे ज़्यादा ही होगा, लाइक 6-7 इंचेस अराउंड डीप होगा सबस्ट्रेट। Thank you.
One eternity later. उसके बाद मैं टॉप साइड पे मूव कर जाऊंगा। मैं यहाँ पे 1 inch by 15 inch 8 mm के ग्लास पीसेस जोड़ रहा हूँ। एक ग्लास पीस सबसे पीछे लगेगा टैंक के, फिर 4 inch के गैप के बाद एक और ग्लास पीस लगेगा सेम डायमेंशंस के। ये जो बीच में जो स्पेस होगा वो मैं बेसिकली वेंटिलेशन ग्रिल के इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करूँगा। सो या One eternity later. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग बेसिकली डोर बनाएंगे। तो डोर के लिए मैं ग्लास का स्लैब ही यूज़ कर रहा हूँ। सो उनको जोड़ने के लिए मैं ये स्टेनलेस स्टील हिंजेस का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बेसिक प्रोसेस है, नॉर्मल बस हिंजेस पे सिलिकॉन लगाना है और उसको डोर के जहाँ पे जॉइंट है उस पे चिपका देना है। एंड लाइक मेरे को ओरिजिनली यूज़ करना था एक्रेलिक हिंजेस, लेकिन मिला नहीं वो। और एक्रेलिक हिंजेस को ग्लास के साथ सिलिकॉन से जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक जो बॉन्ड होता है वो टाइट नहीं होता है। तो इसी के लिए अभी फ़िलहाल के लिए स्टेनलेस स्टील का ही हिंज यूज़ कर रहा हूँ। बाद में जब कोई मेथड मिल जाएगा तो मैं तब एक्रेलिक हिंज यूज़ करूँगा। उसके बाद हिंजेस एक बार जुड़ जाने के बाद लॉकिंग मैकेनिज्म की बारी आती है। तो मैं लॉकिंग मैकेनिज्म के लिए एक नॉर्मल ड्रॉअर मैग्नेट का यूज़ कर रहा हूँ। जो मैग्नेट का जो स्टील पार्ट है वो तो सिलिकॉन से चिपक जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक पार्ट होता है वो सिलिकॉन से नहीं चिपकता। लाइक मैंने ट्राई करा सिलिकॉन से चिपकाने का, लेकिन जब मैं डोर ओपन करता हूँ तो वो बार बार बॉन्ड टूट जाता है। तो इसी के लिए मैंने इसको चिपकाने के लिए फेविक्विक यूज़ करा। फेविक्विक से काफ़ी टाइट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एंड अच्छे से चिपक गया। सो मैं भी आप लोगों को फेविक्विक यूज़ करें वही रिकमेंड करूँगा। मेरा वीडियो बेसिकली थोड़ा करप्ट हो गया, तो ये एंडिंग वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने बस उस स्लॉट्स वगैरह में वेंटिलेशन ग्रिल इंस्टॉल करा है और जो टॉप का जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो मैंने इंस्टॉल करा है। उसके लिए मैंने बेसिकली एल ट्रैक करके एक ट्रैक आता है स्लाइड करवाने के लिए ग्लास को, मैंने वो इंस्टॉल करा है। नॉर्मल सिलिकॉन से ही जोड़ा है मैंने सब कुछ, तो बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है। सो गाइज, ये है मेरा वाइवेरियम का फाइनल लुक, काफ़ी सॉलिड बन के आया है। लाइक कैपेबिलिटीज तो काफ़ी है, लाइक मैग्नेट डोर, ऊपर से स्लाइडिंग लिड। सो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी अच्छा होगा। सो या नेक्स्ट अगले हफ्ते हम लोग इसको सेटअप करने वाले हैं और टरांटोला को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। ये एक नेचुरलिस्टिक सेटअप होने वाला है टरांटोला के लिए। सो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब करिए यहाँ पे, अगर आप नए हैं शेयर करिए वीडियो को और लाइक करके, और अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ के सब आंसर करता हूँ। सो या मिलते हैं फिर से अगले हफ्ते। सी या।